रही जो श्याम सुंदर परम श्लाघ्य गुणों से युक्त है उनसे तुम मुझे मिलवाती रही हो। तो श्लाघ्यण अहम यदग रुगणा बार मंगी कृतास्मि, तुम्हारे कारण ही श्याम सुंदर मुझे बार बार अंगीकार कर रहे हैं, तुमने मुझे अंगीकार करवाए। प्यारे तत्र क्षामोदर किम परम, अब ये जो तुम करती हो, अरे क्षामोदरी, क्षाम माने दुर्लभ, उदर माने कटी, माने परम सुंदरी, जिनका कटिभार परम सुंदर होकर के विराजमान, ऐसी है क्षामोदरी, अरे क्षीण कटि वाली सुंदरी, अरे नांदी मुखी, अरे विशाखा, किम अपरम कारण बस सखी नाम, तुम सखियों के में ये जो किया इसमें क्या कारण है। मैं इसमें कोई कारणों का जब विचार करती हूं कि तुम ऐसा क्यों करवाती हो, तो मुझे ये लगता है कि मेरे कोई गुण नहीं है, कि मेरे गुणों के कारण तुम ऐसा करवाती हो, सो बात नहीं है। सखी कारणम अपरम कारणम बस सखी नाम, कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता है, इसमें एकमात्र कारण है तुम सब सखियों सखियों का दत्ता मोदाम, तुम सर्वदा सर्वदा मुझे जो आनंद प्रदान करती हो इसका कारण क्या है। प्रगुण करुणा मंजरी अंतरेण, तुम्हारे हृदय में जो करुणा की मंजरी है इस मंजरी के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण इसमें है ही नहीं। अभी सखी बार बार अपराध करने पर भी मेरे अपराधों को ढांकती हुई तुम बार बार श्याम सुंदर से मेरा मिलन कराती हो और प्यारे मुझे अंगीकार कर लेते हैं, इसका एकमात्र कारण यही है कि तुम सखियों के हृदय में प्रगुण माने विशिष्ट गुण वाली करुणा की ऐसी मंजरी है, करुणा ऐसी विराजमान है कि इस करुणा की के कारण ही, जो करुणा की मंजरी कैसी है उसके लिए एक विशेषण दे रहे हैं दत्ता मोदाम, जो अपूर्व आनंद को प्रदान करने वाली है, ऐसी करुणा मंजरी के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कारण है ही नहीं। अर्थात तुम्हारी करुणा ही एकमात्र कारण है, मेरे गुण कारण नहीं है, मैं कोई तुम्हारा उपकार नहीं कर सकी, ये तो तुम्हारा परम्पर स्नेह। और इसी बात को कहीं महावाणी जी में एक जगह बड़ा सुंदर ब्याहुले का जहां खेल हो रहा है सायंकाल के समय, शिवप्रियालाल कवि नुकुंज मंदिर में बैठे हैं और उस समय कोई सखी ने पीछे से आकर के श्री प्रिया जी के अंचल को श्याम सुंदर के अंचल के साथ में जोड़ दिया और सब सखी ताली बजाने लगे, हा 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 जय हो जय हो, और ऐसा कहकर के अब तो ब्याह होगा, ऐसा कहकर के विवाह खेल खेल लेंगे। और विवाह खेल में श्री रंग देवी जी श्री प्रिया जी को उस समय जैसे विवाह की जो विभिन्न जो कर्मकांड हैं उनको संपादित कर रही है, खेल खेल में उनका संपादन करा रही हैं, वहां पर श्री तुंग विद्या जी वे तो सारे मंत्रों को जानने वाली हैं, श्री कहीं प्रेम अग्नि को ही साक्षी बना करके जैसे विवाह करा रही हैं, प्रेम को साक्षी बना करके कहिए कि तो वंशी को साक्षी बना करके, वंशी को अग्नि अग्नि साक्षी में नहीं है, वंशी साक्षी उसको वंशी में को ही जो प्रेम स्वरूपा है उसको ही साक्षी बना करके जैसे उसके चारों भावर खेल खेल में फिरवा रही है। और श्री रंगदेवी जी जब विदा का समय आया उस समय श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में किशोरी जी को समर्पित करती हुई कह रही हैं, सखी बन गई, कुछ सखी हो गई श्याम सुंदर की ओर, कुछ सखी हो गई हैं श्री प्रिया जी की ओर, कुछ कन्या पक्ष में आ गई, कुछ सखी आ गई हैं वर पक्ष में। और श्री प्रिया जी को जिस समय श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित कर रही हैं उस समय व्याकुल होकर के श्याम सुंदर से कह रही हैं कि हमारी सखी ये राधिका बड़ी सकुच युक्त है, बड़ी संकोचनी है, संकोच करने वाली है, बड़ी लजीली है, इसके मुख में आवाज भी नहीं है, इच्छा होने पर भी मुंह से कुछ कहेगी नहीं,
श्याम सुंदर आप चतुर सुजान हो, मेरी सखी की कब क्या इच्छा है इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे और इनके मुख का दर्शन करके आप ये पहचानेंगे कि इस समय सखी की क्या इच्छा है, उसको संभालते हुए आप रखेंगे। आज हम अपने हृदय धन को, सर्वस्व धन को आपको समर्पित कर रही हैं और हमने अपने हृदय धन को आपको समर्पित करके आपको प्राप्त किया है, तो आप जो हमारे पास में आए हैं वो हमने सर्वस्व समर्पण किया है और इसके बदले आपको हमने प्राप्त किया है। हमारी इस सखी का सब प्रकार से ध्यान रखेंगे और ऐसा कहकर के दोनों को के पीछे खड़ी होकर के दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रख करके श्री रंग देवी जी कह रही हैं कि किए को धन अल्प सखी, अरे सखी मैं तेरी कोई भी सेवा नहीं कर सकी, किए को सुख अल्प सखी, तुझे कोई सुख दे ही नहीं सकी, तुम दोनों को कोई सुख नहीं दे सकी। श्री किशोरी जी ने और युवा सरकार ने, श्याम सुंदर ने, दोनों ने उस वचन को सुना कि एक और सुख अलप सखी सुन कहो, और उस समय युवा सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार हुए पंत भरे आयो यो बोल नहीं पाए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, एक और सुख अलप सखी सुन कहो पंत भरे आयो यो, क्या कहा वो कह नहीं सकी, कुछ कहना चाह रही है परंतु हृदय एकदम भर आया। श्री युगल सरकार उस समय उनके पास में कोई उत्तर नहीं है कि श्री प्रियालाल को उस समय कुछ कह सके, ये भी कह सके नहीं नहीं सो बात नहीं है तुमने बहुत किया, ये कहने की भी हिम्मत नहीं है, गला इतना भर आया कि ये भी नहीं कह पाए। तो यहां पर वो ये सखियों की अपूर्व करुणा मंजरी, वो सखियों की उसी करुणा मंजरी को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, तब तक श्याम उदरी के परम कारण बस सखी नाम, अरे सखियो तुम में जो अपूर्व करुणा मंजरी विराजमान है उस करुणा मंजरी के अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैंने तो बार बार कल विलस्ते ही माने झगड़ा करते हुए साफ राधा भी तुम्हारा भी अपराध किया और श्याम सुंदर का भी अपराध किया, पर इस राधा को परम श्लाघ्य श्याम सुंदर के द्वारा अघिरूपु श्याम सुंदर के द्वारा तुमने स्वीकार कराया, अर्थात मुझे बार बार श्याम सुंदर को प्राप्त कराया। अरे क्षामोदरी अरे सुंदरी मैं जानते जानते कि इसमें कोई मेरे कोई गुण कारण हो वो हेतु नहीं है, मेरे कोई गुण हेतु नहीं है, इनमें मूल हेतु मूल कारण है वो तुम्हारी प्रगुण करुणा मंजरी, करुणा की मंजरी ही इसमें एकमात्र कारण है जो कि दत्ता बोदाम अपूर्व रूप से आदर प्रदान करने वाली होकर के विराजमान है। और आगे कह रही है ऐसे जो कहा इतने में ही नेपथ्य से आवाज आ रही है, नेपथ्य से स्वर आता है पर्दे के पीछे से कि गर्भोदग्रा कलम विकलम श्री वृंदाजी मामो ये कह रही कि अरे कोई लोग तुम्हारी तो बनाई क्यों, बोले इस समय श्याम सुंदर के हाथ में बेरू नहीं है, श्याम सुंदर की बेरू चोरी हो गई है ना, तो वृंदा जी पीछे से कह रही हैं कि अरे वृंदावन के सारी कोयलों, अरे वृंदावन की मृगियों, अरे वृंदावन की गृहणियों तुम्हारी बनाई बनाई, क्योंकि श्याम सुंदर के हाथ में बेणू नहीं है, जब तक श्याम सुंदर के हाथ में बेणू थी तब तक ये कोयल सब
मौन धारण करके चुप होकर के बैठी थी कि कहीं ऐसा ना हो श्याम सुंदर की बेणू के आगे हमारी निंदा हो जाए, इसलिए बोल नहीं रही थी। परंतु अब क्योंकि श्याम सुंदर के हाथ में बेणू नहीं है, इसलिए अरे कोई तो बस तुम्हारी बनाई है, खूब इस समय काकली ध्वनि करते हुए खूब पुकारो खूब पुकारो। तो वृंदा जी जैसी ईर्ष्या में उस समय उल्हाना देती हुई कह रही है कि गर्वोदग्रह अरे कोयलो, तुम अभिमान में उदग्र होकर के, अभिमान में मतवाली होकर के, कलम अभिकलम अभिकल कल को, सुंदर कलनाद को, स्वर को तंगवताम आगे विस्तृत करो, अन्य पुष्टा, अन्य पुष्टा माने कोयल। कोयल के विषय में एक प्रसिद्धि है कि कोई भी अपने अंडे को कोए के घोंसले में रखाती है। अंडे अंडे एक से होते हैं, वो कौवी कौ की जो पत्नी है वो ये समझती है कि ये मेरे ही अंडे हैं, और वो दूसरे के अंडे को बराबर सेती है। अब उसमें से बच्चे भी निकलते हैं, बच्चे भी दोनों काले काले, कोयल के बच्चे भी काले और कोयल के बच्चे जो हैं वो भी काले होते हैं। तो उन बच्चों को भी वो ये समझती है कि ये मेरे ही बच्चे हैं, और वो कौवी कौ की पत्नी वो कोयल के बच्चों को अपना बच्चा समझ करके बड़े लाड़ से एक एक दाना ला करके उनको मुंह में डाल करके बड़े बात्सल्य के साथ में उन बालकों का वो पालन करती है। परंतु जैसे ही कोयल के उन बच्चों को पंख निकलते हैं, वैसे ही वे उड़ करके फुर्र चले जाते हैं और कोयल के पास में चले जाते हैं। बेचारी वो कौवी देखती की देखती रह जाती है, उसके बच्चे कहीं चले जाते हैं। तब से कोयल का नाम पड़ा अन्य पुष्ट, माने किसी दूसरे के द्वारा उसका पोषण किया गया। तो अन्य पुष्टा ये कोयल का नाम है, क्योंकि कोई कोयल के जो बच्चे हैं वे उनका पालन कोयल की माँ नहीं करती है, बल्कि उनका पालन कोए की माँ करती है, इसलिए वे अन्य पुष्टा कहते हैं। तो यहां पर कोई कह रहे हैं कि गर्भोदग्रा कलम अविकलम तन्वताम अन्य पुष्टा, अरे कोयलो तुम गर्भ में उच्च स्वर से अब खूब गाओ, क्योंकि श्याम सुंदर की वंशी के आगे तुलना करते हुए कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। और निष्पत्यु हम मृग युवत सस्यम आस्वादयन्तु, अरे मृग की युवतियों मृगियों तुम अब निष्पत्यु माने निर्दोष होकर के, प्रत्यु माने बाधा निर्बाध होकर के आनंद से सस्यम आस्वादयन्तु, घास उसका आस्वादन लो। पहले तुम घास नहीं खा सकती थी, क्योंकि श्याम सुंदर की वंशी बजती थी तो उस समय घास खा रही हैं, और घास का तिनका मुख के मुख में रह जाता था, और तुम घास नहीं खाती थी, भूखी की भूखी रह जाती थी श्याम सुंदर के बेणुनाद को श्रवण करके। परंतु अब श्याम सुंदर की वंशी नहीं बजेगी, इसलिए आनंद से खूब घास चलो, तुम्हारे मजे मजे आगे तुम्हारी बनाई। तो निष्पत्ति हो माने निर्दोष निर्बाध होकर के सस्यम आस्वादयन्तु मृग युवते, अरे मृग युवतियों तुम घास का आस्वादन करो। सीमंतन्यो ग्रह नये मयीन शीलयन्तु प्रणालिन, और अरे कुल वधुओ तुम्हारी भी बनाई, पहले श्याम सुंदर जब बंशी बजाते थे तो तुम लोक वेद की मर्यादा छोड़ करके दौड़ी हुई कितबाजी ये कहती हुई यमुना तट पर आ जाती थी, श्याम सुंदर को देखने के लिए आ जाती थी। परंतु अब श्याम सुंदर की बंशी नहीं बजेगी, अतः अरी सीमंतनियो तुम ग्रह नये मयी, गृहस्थी के धर्म का पालन करने वाली शीलयन्तु प्रणालिन, जो पद्धति है उसका आनंद से पालन करो, अर्थात अपने पातिव वृत्ति का पालन करते हुए खूब विराजमान हो, क्योंकि धूर्त बेणु वो धूर्त बेणु, ये धूर्त शब्द में वृंदा जी का जो वेणु के प्रति गोपियों का सपत्नी भाव है, वो महाभाव वो प्रकट हो रहा है कि वेणु के प्रति सपत्नी भाव, धूर्त बेणु वो धूर्त बेणु
बेहरत करे नाद पीताम्बर से श्याम सुंदर के हाथ में नहीं। ऐसे जो वृंदा जी ने उधर कहा श्री किशोरी जी को अब याद आ गई कि अरे बंशी तो मेरे पास नहीं है, बंशी तो मैंने पहले चुराई हुई है। तो उस समय बंशी उद्घाट्य, बंशी की याद जैसे ही दिलाई वृंदा जी ने, ऐसे ही श्री प्रिया ने अपनी बेनी में जो बंशी को छुपा करके रख रखा था, बेनी के साथ में उस बंशी को बांध रखा था, उस बेनी में से बंशी को, वेणी में से बंशी को निकाला और बंशी को निकाल करके उस बंशी को उल्हाना देती हुई बंशी से बात करने लगी और बंशी से बात कर रही है और वंशी को उल्हाना दे रही है कि अरे वंशी सब वंशस्तव जनी, तेरा जन्म अच्छे बांस से हुआ है, अच्छे वंश में हुआ। वंश शब्द में श्लेष अलंकार है, वंश माने बांस और वंश माने अच्छे वंश में, अच्छे कुल में तू उत्पन्न हुई है। और पुरुषोत्तमस्य पारस्तुति, तू है भी कहां, बोले श्याम सुंदर के श्री हस्त में तू स्थित है। अरे मुरल के सरलास जात्या, तू स्वभाव से जाति से ही सरल होकर के भी विराजमान है, टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं है, तू सरल होकर के भी विराजमान है। परंतु कस्मात त्वया सखी गुरुर विषमा गृहीता, अरे सखी तैने ये विषम शिक्षा कहां से ग्रहण कर ली, ये टेढ़ी शिक्षा कहां से ग्रहण कर ली कि गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा, कि गोपांगनाओं के गण को विमोहन करने की ये मंत्र तूने कहां से पा लिया, तूने ये मंत्र किससे कहां से पा लिया, जिसके कारण जिस मंत्र के प्रभाव से हम गोपियों को विमोहित करती है, ऐसे वंशी को उल्हाना दे रही है कि सब वंशस्तव जन पुरुषोत्तमस्य पाणव स्थित मुरल के सरलास जात्या कस्मात् त्वया सखी गुरुर विषमा गृहीता गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा, के अरि मुरल के सब वंशस्तव जन, तेरा जन्म अच्छे वंश में हुआ है अथवा अच्छे बांस से हुआ है, वंश बांसों के वंश में तेरा जन्म हुआ है। और पुरुषोत्तमस्य पाणव स्थिति ही श्याम सुंदर के श्रीहस्त में तू रही है, और अरि मुरल के सरलास जात्या, तू स्वभाव से ही सरल सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं है। परंतु कस्मात त्वया सखी विषमा गृहीता, कस्मात माने कौन से गुरु की पाठशाला में तू पढ़ने के लिए गई, कस्मात संस्कृत में जिससे कोई शिक्षा प्राप्त की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गुरु में पंचमी विभक्ति आएगी, तो कस्मात माने किस गुरु से तूने ये विषमा गृहीता, विषम जो शिक्षा है उस विषम शिक्षा को किस गुरु के कौन सी चक्षाल में बैठ करके तूने इस शिक्षा को प्राप्त किया है, कैसी शिक्षा, बोले मंत्र की शिक्षा, मंत्र की दीक्षा। मंत्र कैसा है, बोले गोपांगना कर विमोहन, गोपांगनाओं के समूह को विमोहित करने वाली जो दीक्षा है उसको तूने किस गुरु से प्राप्त किया, किस गुरु से प्राप्त किया, ऐसा वंशी को उल्हाना दे रही। जब वंशी को उल्हाना दिया श्री विशाखा जी कह रही हैं कि हला आचार्येयं वंशी यन मार्ताभिमुखी कृता स्वयं शब्दायते, बोले अरे सखी ये वंशी आचार्या है जो कि यन मारुताभिमुखी कृता, यदि मारुत वायु से अभिमुख होता है तो स्वयं बोल पड़ती है। यहां पर योग की एक प्रक्रिया का निरूपण किया गया, और योग की प्रक्रिया यह है कि वाणी चार प्रकार की है, परा पश्यंती मध्यमा और बैखरी। जो वायु है वो परा से माने मूलाधार चक्र से उठती है योग शास्त्र में,
हमारे शरीर में योग शास्त्र मानता है कि 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार में जो वायु है, मूलाधार चक्र, ये जहां हम बैठते हैं नाभि के नीचे मूलाधार चक्र है, नाभि के भी नीचे, तो वहां पर मूलाधार से वायु उठती है। जब कोई बात कहना चाहते हैं तो उस समय मन में अभिलाषा होने के साथ ही साथ मूलाधार से वायु उठती है, और मूलाधार से वायु उठ करके सबसे पहले वो मूलाधार, फिर वो मणिपुर अधिष्ठान, जो चक्र है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन चक्रों में आती है। तो मूलाधार से उठ करके वो जब नाभि में आती है तो परा नाम करके जो वाणी है वो नाभि में प्रकट होती है। परा के बाद में जब वो उदर में आती है तो पश्यंती नाम करके जो वाणी है वो प्रकट होती है। जब वो हृदय में आती है उस समय वाणी मध्यमा के रूप में प्रकट होती है, और जब वहां वाणी गले में आती है तो वो परा होकर, बैखरी होकर के प्रकट होती है। गले के ऊपर जो कुछ भी वाणी निकल रही है वह बैखरी होकर के प्रकट होगी। हमारे गले में जो श्वास नली है उसमें वोकल कोर्ड्स हैं, कोर्ड हैं, माने तंत्री हैं, उनसे जब हवा टकराएगी तो टकराने के बाद में उनमें कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन उत्पन्न करके कोई स्वर उत्पन्न हुआ, वो ही स्वर यदि गले के द्वारा भीचा गया तो ये कंठ ध्वनियां उत्पन्न होंगी। जब वो मूर्धा के द्वारा दाबा गया तो उसके द्वारा मूर्धन्य ध्वनि ये उत्पन्न होंगी। जब वो कहीं तालु के द्वारा जीव ऊंची होकर के, और तालु और जीव इनसे उसमें कहीं बाधा उत्पन्न की गई तो बाधा उत्पन्न करने पर उससे श श स या छ छ ज झ ञ ये जो ध्वनि है वो उत्पन्न होंगी। जब दांतों से उसमें बाधा डाली जाएगी तो वो ही त थ द ध न ये ध्वनियां उत्पन्न होंगी। जब ओठों से उसको कहीं रोका जाएगा, बाधा उत्पन्न की जाएगी तो ओठों के से बोलने पर प फ भ भ म ये ध्वनियां उत्पन्न होंगी। इसी तरह से आ आ ये कंठ ध्वनि है, ई ई ये कहीं तालव्य ध्वनि है, ऊ ये कहीं ओष्ठ ध्वनि है, तो स्वर भी इसी प्रकार होकर के विराजमान। तो जो कंठ के ऊपर आई वो बैखरी होकर के विराजमान है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे अब इसमें ये कहा गया कि चत्वार वाक् बदन्ति तान विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणी नेहता लिंगयन्ति तुरीयं वाचं मनुष्यः बदन्ति। ऋग्वेद में एक सूक्त आया कि चत्वार वाक् पंडितानि पदानि, चार वाणी विराजमान होती हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये चार वाणी हैं। इनमें तीन वाणी तो नीचे हैं और चौथी वाणी को मनुष्य बोलते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते सुनते हैं वो वैखरी है। यहां पर ये कहनी है इनमें परा जो वाणी है वो ब्रह्म स्वरूप है। वैखरी में हम लौकिक माया का जितना जो जो संपर्क होता जाएगा क्यों क्यों वो वैखरी जो वाणी, जो परा वाणी है, वही लौकिक होती हुई भी चली जाएगी। मुख्य रूप से जो वाणी है वो परा है, और उस परा वाणी के निनाद को ही एक योगी समाधि की अवस्था में भी वह अनहद नाद के रूप में कहीं स्मरण करता है। ये योग की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया की ओर संकेत करती हुई श्री विशाखा जी कह रही हैं कि आचार्य यम वाणी, जैसे श्री आचार्य उनके पास में जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो श्री आचार्य के हृदय में उस उनके मूलाधार में विराजमान जो परावाणी है वो परावाणी ही साक्षात रूप से प्रकट होकर के, वो पश्यन्ति मध्यमा वैखरी होकर के नहीं, परावाणी
अपने स्वरूप को साक्षात प्रकट करते हुए शिष्य के कान में वह मंत्र के रूप में प्रवेश कर जाती है। जो परावाणी है दिव्य वाणी, वो दिव्य वाणी ही शिष्य के कान में दीक्षा विधि के द्वारा वह प्रवेश कर जाती है। अन्य जो बैखरी वाणी है वो बैखरी वाणी तो यूं ही बोली जाएंगी, परंतु श्री गुरुदेव जिस मंत्र को प्रदान कर रहे हैं प्रणव सहित चतुर्थी विभक्ति लगा करके स्वाहा नमः रूप में जिस मंत्र को षडक्षर अष्टाक्षर दशाक्षर अष्टादशाक्षर इत्यादि जिन मंत्रों को श्री गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं वह परावाणी है, वो परावाणी ही शिष्य के हृदय में सीधी आवरण के साथ में शिष्य के काम रूपी तीर्थ में वे श्री गुरुदेव उस वाणी को दीक्षा विधि के द्वारा समर्पित कर देते हैं। तो वाणी जो है वो परावाणी जैसे वायु से प्रेरित होकर के जैसे सामने प्रकट हो जाती है और वह कर्ण रूपी तीर्थ के द्वारा शिष्य के हृदय में जाकर के उसको चिन्ह बना देती है, उसको एक स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही आचार्य यम वंशी, ये वंशी आचार्य होकर के विराजमान है और ये वंशी मारुताभिमुखी कृता, मारुत के अभिमुखी करके जो परावाणी श्री गुरुदेव के मूल में विराजमान थी, नाभि में विराजमान थी, वहां से वो प्रकट होकर के वायु से अभिमुख होकर के मन कहीं वाणी के माध्यम से वो परावाणी ही मारुत के माने हवा के माध्यम से श्वास के माध्यम से वही प्रकट होकर के शिष्य के काम के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही ये भी प्रकट हो रही है, ये वंशी की भी ये विशेषता है कि ये वंशी भी आचार्य है और मारुत से अभिमुखी होगी तो ये स्वयं शब्द आयते स्वयं शब्द करने लगेगी। तो जो योग की प्रक्रिया थी शक्ति निक्षेप की प्रक्रिया, शक्ति पाथ की प्रक्रिया, गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव में जो शक्ति मंत्र शक्ति विराजमान है उसका शक्ति पाथ वे शिष्य में दीक्षा विधि के द्वारा जैसे करते हैं उस दीक्षा। तो आचार्य जैसे वायु का आश्रय लेकर के परावाणी को सीधा का सीधा योगी त्यों बिना माया से संक्रमित करते हुए वाणी के माध्यम से हृदय की अपने हृदय की परावाणी को शिष्य के कान रूपी तीर्थ के माध्यम से उसके हृदय में जैसे ठाकुर जी को स्थापित कर देते हैं दीक्षा विधि के द्वारा, इसी प्रकार ये वंशी भी मारुत माने वायु की ओर उन्मुख होती है तो ये शब्द करने लग जाती है। श्री राधिका कहती है अच्छा अपने आप बच जाएगी, बोला हां अपने आप बच जाएगी। जैसे श्री गुरुदेव के हृदय में जब करुणा उत्पन्न हुई तो करुणा के द्वारा उन्होंने शक्ति संनिपात कर दिया, शक्ति को शिष्य के हृदय में स्थापित कर दिया, इसी प्रकार शक्ति निक्षेप कर दिया, शक्ति संनिपात कर दिया, इसी प्रकार ये वंशी भी आज मुखरीकृत हो जाएगी। बोले अच्छा सखी परीक्षिष्य मैं इसकी परीक्षा करके देखती हूं कि बचती है कि नहीं, और ऐसा कहकर के श्री राधिका ने उस वंशी को जरा सा हिलाया बुलाया चारों ओर जो घुमाया तो जैसे हवा के रुख में आई वैसे वो वंशी बज उठी। तथा करोगी विशाखा कह रही है श्रूयतां मधुरा काकली, बोले हरि सखी देख देख इस वंशी से कैसी सुंदर मधुर काकली निकल रही है, कैसा सुंदर राधा 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 ये शब्द जो है ये जाय श्याम मुरली में तेल वो राधा नाम जो है वो अपने आप इससे निकल रहा है। श्रूयतां मधुरा काकली ललितम वरम अश्रुत कृष्ण परवार, कैसा ललित है परम आश्रोत कृष्ण से परवा रहा, भले कृष्ण का परवार इसको सुने।
ये वंशी कितनी मीठी बोल रही है, कृष्ण का परवार सखागण भी सुन रहे हो तो भले इसको सुने, वरम आश्रो जो कृष्ण परिवार है वो इसको भले सुने। इतने में ही वृंदा जी तुरंत ही प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके छिपी हुई, अभी सामने नहीं आई है, छिप करके प्रवेश करती हैं और कह रहे हैं कि भगवती न कदापि वंशी देत श्रुतम मया ललता दुर्मंत्रम, मैंने अपने कान ऐसा सुना है कि ये ललता राधिका को ये उपदेश देकर के बैठी हुई है, इस ललता ने राधिका के कान खूब भर दिए कि सखी भले कुछ भी हो जाए तेरे हाथ में अब ये बंशी लग गई है ना, इस बंशी को कभी भी श्यामचंद्र को देना मत, इसको छुपा करके अपने पास में ही रखना। अब बंशी के प्रति तो गोपियों में सपत्नी भाव है ही, बोले जब बंशी तेरे हाथ में लग गई है तो इस बंशी को कभी देना मत, कभी मत देना। तो मैंने ये सुना है कि न कदाप बंशी देया, इस बंशी को श्यामचंद्र को कभी देना मत। इति श्रुतम मया ललता दुर्मंत्रम, ललता राधिका के कान भर रही थी कि बंशी को देना मत। पौर्णमासी जी बोली, बंशी तो श्याम सुंदर के पास में ही होनी चाहिए, ये राधिका बंशी चुरा करके बैठी है ये बात तो अच्छी नहीं है, लीला का विस्तार कैसे होगा, श्याम सुंदर बंशी के बिना व्याकुल हो रहे हैं। तो बस से युक्तिम आयत्याम करिष्यामि, चिंता मत कर, आयत्याम माने भविष्य में मैं इसके लिए कोई ना कोई युक्ति करती हूं, अभी तो तुरंत तो नहीं, भविष्य में कोई युक्ति करूंगी। ऐसा वृंदा और पौर्णमासी जी ने चुपचाप कह दिया। इतने में ही जटिला कहीं से, अरे ये कहां से आवाज आई, ये कहां से बंशी, बंशी कोई, ये बंशी कहां से आई, ऐसा कहते हुए श्री जटिला जी, ये जटिला जो है वो राधा रानी के पतिमन्य जो गोप हैं अभिमन्य उनकी मां है, एक तरह से लव लोक व्यवहार में सास होकर के विराजमान है। तो जटिला उस समय आती हैं और कह रही हैं नूनम एतक कृष्णेन मिलितम मुरली बाधिता, ऐसा लगता है यहां पर कहीं कन्हैया कृष्ण तो नहीं आ गया, जो बंशी बजा रहा है बंशी की आवाज कहां से आई। इतने में ही देखती हैं कि अहो बार्ष भानवी हस्ते कृष्ण से बंशी, बोले हे ये राधिका के हाथ में कृष्ण की बंशी कहां से आ गई। बाशभानु माने विश्वभान की पुत्री को कहेंगे बाशभानु, विश्वभानु उनकी पुत्री कहलाएगी वाशभानु, तो वाशभानु के हाथ में ये बंशी कहां से आ गई। तब निवृत्तम गत्वा एनाम गृहीष्यामि,